इसलिए यीशु नाव में सवार होकर झील पार करके अपने ही नगर में आ गए। कुछ लोग एक लकवा पीड़ित को बिछौने पर उनके पास लाए। उनका विश्वास देख यीशु ने रोगी से कहा, तुम्हारे लिए आनंद का विषय है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री आपस में कहने लगे, परमेश्वर निंदा कर रहा है ये। उनके विचारों का एहसास होने पर यीशु उन्हें संबोधित कर बोले, क्यों अपने मनों में बुरा विचार कर रहे हो? कौन सा कथन सरल हो सकता है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए या उठो चलने लगो? किंतु इसका उद्देश्य ये है कि तुम्हें ये मालूम हो जाए कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा का अधिकार सौंपा गया है। तब रोगी से यीशु ने कहा, उठो अपना बिछौना उठाओ और अपने घर जाओ। वो उठा और घर चला गया। ये देख भीड़ हैरान रह गई और परमेश्वर का गुणगान करने लगी, जिन्होंने मनुष्य को इस प्रकार का अधिकार दिया है। वहां से जाने के बाद यीशु ने चुंगी लेने वाले के आसन पर बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा, जिसका नाम मतिया था। यीशु ने उसे आज्ञा दी, मेरे पीछे हो ले। मतिया उठकर यीशु के साथ हो लिए। जब यीशु भोजन के लिए बैठे थे, अनेक चुंगी लेने वाले तथा अपराधी व्यक्ति भी उनके साथ शामिल थे। ये देख फरीसियों ने आपत्ति उठाते हुए यीशु के शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु चुंगी लेने वाले और अपराधी व्यक्तियों के साथ भोजन क्यों करते हैं? ये सुन यीशु ने स्पष्ट किया, चिकित्सक की जरूरत स्वस्थ व्यक्ति को नहीं परंतु रोगी व्यक्ति को होती है। अब जाओ और इस कहावत का अर्थ समझो, मुझे बलि नहीं परंतु दया चाहिए, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। बपतिस्मा देने वाले योहन के शिष्य यीशु के पास आए और उनसे प्रश्न किया, क्या कारण है कि फरीसी और हम तो उपवास करते हैं किंतु आपके शिष्य नहीं? यीशु ने उन्हें समझाया, क्या यह संभव है कि दुल्हे के होते हुए बाराती विलाप करें? हाँ, ऐसा समय आएगा जब दुल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। पुराने वस्त्र में कोई भी नए कपड़े का जोड़ नहीं लगाता, नहीं तो कोरा वस्त्र जोड़ सिकुड़कर वस्त्र से अलग हो जाता है और वस्त्र और भी अधिक फट जाता है। वैसे ही लोग नए दाखरस को पुरानी मटकियों में नहीं रखते, अन्यथा वे फट जाती हैं और दाखरस तो बहकर नाश हो ही जाता है, साथ ही मटकियां भी। नया दाखरस नई मटकियों में ही रखा जाता है, परिणाम स्वरूप दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। जब यीशु उन लोगों से इन विषयों पर बातचीत कर रहे थे, यहूदी सभागृह का एक अधिकारी उनके पास आया और उनके सामने झुककर विनती करने लगा, कुछ देर पहले ही मेरी पुत्री की मृत्यु हुई है, आप कृपया आकर उस पर हाथ रख दीजिए और वो जीवित हो जाएगी। यीशु और उनके शिष्य उसके साथ चले गए। मार्ग में 12 वर्ष से लहूस्राव पीड़ित एक स्त्री ने पीछे से आकर यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, क्योंकि उसका यह विश्वास था, यदि मैं उनके वस्त्र को छू भर लूं, तो मैं रोग मुक्त हो जाऊंगी। यीशु ने पीछे मुड़कर उसे देखा और उससे कहा, तुम्हारे लिए ये आनंद का विषय है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया। उसी क्षण वो स्त्री स्वस्थ हो गई।
जब यीशु यहूदी सभागृह के अधिकारी के घर पर पहुंचे तो उन्होंने भीड़ का कोलाहल और शोक संगीत सुना, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, यहां से चले जाओ क्योंकि बालिका की मृत्यु नहीं हुई है, वो सो रही है। इस पर वे यीशु का ठट्ठा करने लगे, किंतु जब भीड़ को बाहर निकाल दिया गया, यीशु ने कक्ष में प्रवेश कर बालिका का हाथ पकड़ा। और वो उठ बैठी। समाचार सारे क्षेत्र में फैल गया। जब यीशु वहां से विदा हुए, दो अंधे व्यक्ति ये पुकारते हुए उनके पीछे चलने लगे, दाविद पुत्र हम पर कृपा कीजिए। जब यीशु ने घर में प्रवेश किया, वे अंधे भी उनके पास पहुंच गए। यीशु ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुम्हें विश्वास है कि मुझमें ये करने की सामर्थ है? उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु। तब यीशु ने ये कहते हुए उनके नेत्रों का स्पर्श किया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उन्हें दृष्टि प्राप्त हो गई। यीशु ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी, यह ध्यान रखना कि इसके विषय में किसी को मालूम न होने पाए। किंतु उन्होंने जाकर सभी क्षेत्र में यीशु के विषय में यह समाचार प्रसारित कर दिया। जब वे सब वहां से बाहर निकल रहे थे, उनके सामने एक गूंगा व्यक्ति जो प्रेत आत्मा से पीड़ित था लाया गया। प्रेत के निकल जाने के बाद वो बातें करने लगा। ये देख भीड़ चकित रह गई और कहने लगी, इससे पहले इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। जबकि फरीसी कह रहे थे, ये प्रेतों का निकालना प्रेतों के प्रधान की सहायता से करता है। यीशु नगर नगर और गांव गांव की यात्रा कर रहे थे। वो उनके यहूदी सभागृहों में शिक्षा देते, स्वर्ग राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते तथा हर एक प्रकार के रोग और दुर्बलताओं को स्वस्थ करते जा रहे थे। भीड़ को देख यीशु का हृदय करुणा से दुखित हो उठा, क्योंकि वे बिन चरवाहे की भेड़ों के समान व्याकुल और निराश थे। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उपज तो बहुत है किंतु मजदूर कम, इसलिए उपज के स्वामी से विनती करो कि इस उपज के लिए मजदूर भेज दें।